ये फिर टूट गए। अभी दाना डालने में इतनी मुश्किल होती है, अब मुझे एक और नया लाना पड़ेगा, लेकिन इस दफ़ा बड़ा लाऊंगा। अब इसमें से कितना सा दाना आता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अंडे घर में ख़त्म हो चुके हैं और अंडे जब ख़त्म होते हैं तब यहाँ से लेके जाते हैं, क्योंकि याद नहीं रहती। फिर घर वाले मुझे कहते हैं कि अंडे उठा के लो, तब उठा के लेके जाने पड़ते हैं। तो दो तीन दिन से यहीं पर पड़े हुए हैं, तो सबसे पहले मुझे अंडे लेके जाने हैं घर। ये शॉपर लगा हुआ है ना, जिस वजह से मुझे आने जाने में मसला होता है, तो झुक के जाना पड़ता है ऐसे। और अंडे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, दो तीन दिन से नहीं उठाए थे ना। तो ये देखें, 3, 6, 9, 10 और 15 अंडे यहाँ पर पड़े हैं, तो जल्दी से उठाते हैं। ये एक ही जगह पे मैं लेके जा रहा हूँ, अब ये बच जाए जाते जाते, ये ना टूट जाए। बर्तन टूटा हुआ है तो इसलिए डर ही लगा हुआ है। अभी ये नीचे जाने लगे, ये देखें इस तरफ से निकल गए, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी पहले ये दे आता हूँ। रख दो, ये एक अंडा हेरिटेज का भी आ गया, तो अब अंडे 16 हो गए हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ डायमंड डब, इसको मोशन बहुत तेज़ लगे हैं, तो इसकी हालत ख़राब है, इसलिए इसको मैं बाहर धूप पे लाया हूँ। दाना पानी अभी मुझे वापस आके इसको दवाई देनी है। खरगोशों को मैंने बाहर निकाल दिया है, मैं वापस जाके आपको बताऊँगा कि बाहर क्यों निकाला है। वो उस तरफ घूम रहे हैं। 10 दिन है हमारे अंडों में से बच्चे निकलने के लिए, तो इसलिए अभी हेरिटेज के अंडे मैं दोबारा से जमा नहीं कर रहा। हेरिटेज का अंडा मैं वापस ले कर जा रहा हूँ। पहले घर वाले खाते नहीं थे और अब घर वाले कहते हैं कि हेरिटेज के अंडे भी दिया करो ला के। लेकिन मुझे एकदम से बात याद आई है कि 10 दिन हमारे रह गए हैं चूज़े निकलने में से, और अगर 10 दिन तक मैं ये अंडे इकट्ठे करता हूँ तो मुश्किल से 6 या 7 होंगे, क्योंकि मुर्गी हर 2 दिन के बाद एक अंडा देती है। तो उसके साथ हम दूसरे मिक्स करके दोबारा से इनक्यूबेटर को चलाएँगे तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आज से हेरिटेज के अंडे जो है हम जमा करना शुरू कर देंगे। ये देखें दोस्तों, ये है नेस्टिंग हमारी रैबिट फीमेल की। ब्लॉक मैंने निकाल लिया, 2 ब्लॉक जो पड़े हुए थे, ये जगह बहुत घेर रहे थे, मतलब इनकी वजह से जगह कम पड़ी थी, अब जगह खुली हो गई है। ये देखें, ये अंदर चला गया मेल और इसने खोदना शुरू कर दिया ऐसे, जो ज़मीन पे घास वगैरह पड़ा हुआ है। अब मुझे इसको जल्दी से रखना है और मैं आपको दिखाता हूँ हमारी फीमेल वो घास इकट्ठा कर रही है यहाँ पर। तो मैं जल्दी से नेस्टिंग रख लूँगा। ये क्या, आज इसने घास के साथ साथ छोटे छोटे पर, कपड़े के टुकड़े और पर भी इकट्ठा करना शुरू कर दिए हैं। तो आज ये पूरा दिन बाहर रहेगी ताकि ये अपनी पूरी नेस्टिंग कर ले। बच्चे अभी तक ये नहीं दे रही, पता नहीं 4-5 दिन गुजर चुके हैं, आपने भी कहा था कि बच्चे जल्दी आने वाले हैं, और पहले से इसका पेट जो है वो थोड़ा सा कम भी हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि ये मोटी मोटी तो है लेकिन मुझे कम कम लग रही है, लेकिन ये भी बच्चे देगी। इसको देखें ज़रा, इसको साइड पर करते हैं और नेस्टिंग को हम यहाँ पर अंदर फिट से करके रखते हैं जहाँ पर पहले थी। अब निकालना और अंदर इसको रखना बहुत आसान हो गया, क्योंकि पहले ब्लॉक थे उसकी वजह से अंदर नहीं रख सकते थे। अभी मैं इसको थोड़ा सा और कॉर्नर में कर देता हूँ। बस अभी मैं जल्दी से अपने डव को दवाई देता हूँ। रेजल के सिरप मैंने उसे कल 2 दफ़ा दिया लेकिन उससे आराम नहीं आया, पता नहीं ज़्यादा दे दिया है या कम दिया है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा दिया था तो उससे इसको आराम उस तरह नहीं आया। अभी बैठी हुई है बर्तन के अंदर सुकून के साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं फ्लैजल सिरप ही दूंगा लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स करके दूंगा ताकि इसके अंदर जो पानी की कमी है ना वो पानी की कमी भी पूरी हो जाए। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें बर्तन के अंदर जहाँ पर मैंने दाना डाला है वहाँ पर बैठी हुई है, और ताज़ा पानी भी इस तरफ मैंने डाला। कबूतर हमारे वहाँ चले गए हैं और खरगोश वो सामने घूम रहे हैं। मेल तो तबाहियाँ मचा रहा है, फीमेल अपना घास इकट्ठा कर रही है, और ये दरवाज़ा खुला है तो अंदर जा रहे हैं, और ये इनके बच्चे भी मैंने बाहर निकाल दिए हैं। दूसरा बच्चा अहमद के पास, ये निकाल दिए। और यहाँ हमारा आज घास का ना पूरा तोड़ा आ चुका है, ये वाला घास भी आ जाए और दूसरा वाला भी जो नॉर्मल हम लाते हैं, तो ये दोनों घास हो गए हैं। अब मैं ये घास यहाँ सामने फेंकता हूँ तो हमारी फीमेल जो उस तरफ है ना वो सारा घास ये वाला यहाँ से अंदर लेके जाएगी। ये देखें, इसने सारे पाँव गंदे कर लिए हैं, यहाँ पर इतनी ज़्यादा मिट्टी है ना, कीचड़ बना हुआ है पानी लगा लगा के, इसने अपने पाँव गंदे किए हैं। तो अब यही पाँव वो अपने मुंह पे मार के पाँव को साफ़ कर रही है, तो मुंह भी सारा गंदा। इसी तरह मेल जो है ना वो पता नहीं क्या, वो सामने गया है वहाँ पर बैठा हुआ है, तो उसने भी ऐसा ही किया। वो तो खैर भाग गया, इसको अब ले कर जाना है, और ये सारी वाइट कलर की थी अब गंदी गंदी हो गई है। ये देखें दोस्तों, मिट्टी खा रही है पाँव से उतार उतार के, अब इसको उलझन हो रही है, इसको सुकून नहीं मिल रहा।
तो पहले ये वहाँ जाके घुस गई थी। अभी मुझे क्या करना है कि इसको ना जल्दी से वहाँ ले जाता हूँ और वहीं पर घास डालता हूँ। ये कबूतर भी डिस्टर्ब हो रहे हैं इनकी वजह से, ये भाग के कभी इधर आते हैं कभी उधर जाते हैं। देखें भाग कैसे रही है। ये देखें पानी आज फिर सारा गिरा हुआ है। अभी मैंने डाला है और अभी मैं आया था फ्रूट डालने के लिए इनको। अभी मैं यहाँ आकर ना देख लेता हूँ तो ये बच्चे आज फिर मर जाने थे। मुझे जल्दी से जाना इनको फीड करवानी है, क्योंकि बिना पानी के ही माँ बाप इनको फीड करवा रहे थे और एक ही हालत थोड़ी सी खराब है, बाकी तो दो ठीक है। और अभी एक तो बर्तन यहाँ मैंने रख दिया, अभी मैं इनका बर्तन चेंज कर रहा हूँ जिसमें ये पानी गिरा ही ना सके बिल्कुल भी, ताकि इनका पानी ख़त्म ना हो। अभी मैं जल्दी से इनके लिए फीड बना रहा हूँ ताकि इनको दे सकूँ। ये नीचे हैं बच्चे, माशाल्लाह से ठीक है, माँ बाप ने फीड करवाई है लेकिन पानी फिर भी उन्होंने गिरा दिया था, जिसकी वजह से इनको फीड जो है ना पानी वाली उतना नहीं मिली। तो बस मुझे इनको जल्दी से ना, ये देखें इसके तो मैदे में ना इतने मोटे मोटे किसी चीज़ के टुकड़े हैं, या तो कोई फ्रूट है जो भी चीज़ है लेकिन पानी नहीं है, तो लिक्विड वाली चीज़ लाजमी है। इसलिए अब ये वाला जो फूड मैं इनको दे रहा हूँ इसमें लिक्विड ज़्यादा है। ये देखें माशाल्लाह से अब इनकी आंखें खुलना शुरू हो गई हैं। और दूसरी बात ये कि ये अब खुद फीड लेते हैं, मैंने एक दफ़ा इनको फीड दिया तो अब ये खुद मुँह खोल लेते हैं, तो मैं इसको ईजिली फीड करवा सकता हूँ। मैं पहली या दूसरी दफ़ा किसी बर्ड को हैंड फीड करवा रहा हूँ, मतलब इस तरीके से, तो मुझे खुशी हो रही है। और हल्की की हवा चल रही है लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ अच्छी धूप है इसलिए इनको कुछ नहीं होने वाला। तो बस मैं जल्दी से पहले इनको फीड करवा देता हूँ। सबसे पहले छोटे को फीड करवाता हूँ क्योंकि इसके पेट में ना बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है, तो उसके बाद फिर इन बड़ों को मैं फीड करवाता हूँ। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह से इनके पोटे अब फुल हो चुके हैं। अब मैं इनको वापस माँ बाप के पास रख दूंगा क्योंकि बहुत हल्की हल्की सर्दी है तो उनको ठंड ना लग जाए। मैं रात को इनका पानी चेंज तो करके गया था लेकिन शुक्र है सुबह मैं वक्त पे आ गया हूँ और अभी मैंने इनको देख लिया था, वरना कल की तरह नुकसान हो जाना था। अब इनको रखता हूँ और दूसरे बच्चों को भी देखना है, जो तीन तीन बच्चे दूसरे हैं उनको भी देखना है ताकि मुझे पता चल सके कि उनकी क्या सूरत हाल है। और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह जल्द ये आंखें खोले और इनको मैं उठा लूँ। ये सामने देखें माशाल्लाह बॉक्स के अंदर जो पेयर है वो घास लेके जा रहा है, और उसी के साथ वाला बॉक्स है इसके अंदर भी पेयर बैठा हुआ है। फीमेल अंदर है, मेल ऊपर बैठ गया और ये भी घास लेके जा रहे हैं, मुझे अभी भी घर वालों ने बताया है। बाकी ये तीन बॉक्स जो हैं इनके अंदर अभी मुझे नहीं पता। मैं अभी बाहर आया हूँ तो मुझे अहमद ने बताया है कि किंग बाहर है। मैंने पूछा इसको किसने निकाला है, तो बोल रहा है कि अब्बू ने निकाल दिया, वो कहते हैं कि इनको भी निकालो। तो किंग इस वक्त वहाँ इतने दिनों के बाद बाहर आ चुके हैं लेकिन किंग की फ़ीमेल बाहर नहीं आई। आपको मज़े की बात बता दूँ, दरवाज़ा खुला हुआ है लेकिन किंग की फ़ीमेल नहीं आई, क्योंकि किंग की फ़ीमेल ने अंडे दे दिए हैं या अंडा दे दिया। बहरहाल वो बैठी हुई है, इसका मतलब ये है कि उसने अंडा दे दिया है। मैं अभी देखता हूँ कि एक अंडा या दो अंडे हैं, यहीं बाहर से देखेंगे। तो ये देखें दोस्तों सामने फीमेल बैठी हुई है, मुझे लगता है इसने अंडा दे दिया या अंडा देना है। बच्चे दोनों नीचे हैं और हमारा जो किंग है वो ये देखें इस तरफ बैठा हुआ है, ये खा पी रहा है इन दूसरे कबूतरों के साथ, बाकी सारे उस तरफ छत पे चले गए हैं। हमारे जो रिंग नेक के बच्चे हैं मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ कहाँ कहाँ पर हैं। एक यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं और यहाँ पर हैं। इन तीनों के अंदर बच्चे हैं। इस पेयर ने अंडे दिए थे, इस वाले ने नहीं, इस वाले ने नीचे, जो कि कल मैंने निकाल दिए थे ख़राब हो गए। इस पेयर के अंडे थे, पेयर नहीं फीमेल ने अंडे दिए थे वो भी मैंने निकाल दिए थे। इस पेयर ने अंडे दिए थे जो कि तीनों अनफर्टाइल थे, ये चार थे वो भी निकाल दिए थे। अब इस पेयर ने फिर से अंडे दे दिए हैं, माशाल्लाह से चार अंडे हैं। मैं लवबर्ड की कॉलोनी में गया तो ये वाला घास मुझे नज़र आया और ये घास बहुत नरम है और बहुत अच्छा है, तो दूसरा वाला घास मैंने वहाँ से उठा के वापस रख दिया है। और ये वाला घास अब हम डालेंगे खरगोशों को, क्योंकि ये वाला जो घास है ना ये नरम है और मुझे लग रहा है कि ये वाला घास जो है वो खुशी खुशी अपने नेस्टिंग में रखेंगे। ये देखें मैंने थोड़ी सी देर पहले देखा था तो इसमें चारा बिल्कुल थोड़ा सा, ये थोड़ा सा रह गया, तो ये अभी खरगोशों को डालता हूँ और नया चारा ले के आता हूँ। कभी धूप आ जाती है कभी सख्त बादल आ जाते हैं, तो इसलिए ये कभी ठीक हो जाती है कभी नरम गर्म हो जाती है, तो इसलिए अंदर इसको ले के जाता हूँ और इसके जो केज में बल्ब है ना उसको जला देता हूँ। और सामने देखे पतंग उड़ रहा है, अभी इधर भी पतंग उड़ना शुरू हो गए हैं, मार्च आने वाली है ना तो अब यहाँ हर तरफ पतंग ही पतंग आपको नज़र आएंगे। ये देखें दोस्तों मैं बोतल लेने चला गया था लेकिन एक बोतल में मसला है कि इसका ढक्कन नहीं होता, ये बात मुझे आज पता चली है। सारी बोतलों को देखा था, ढक्कन किसी बोतल पे भी नहीं था, तो बात तो सच है लेकिन है रसवाई की। चलें कोई बात नहीं, हम डाल के देखते हैं क्या माली ठीक कह रहा था, इसी से पानी डालना है या बस वैसे ही शशका ही है इसका। इसे पानी तो लग रहा है लेकिन पानी ज़ाया हो रहा है, लेकिन खैर है कोई बात नहीं, इससे पानी बड़ा जल्दी लगता है और गमले ख़राब भी नहीं होते। बाकी जो पानी है वो नीचे गिर जाएगा।
हमारा हर गोशों का चारा ख़त्म हो गया था, तो वो भी आ गया, भर के ले आए हैं। अब बस एक टेंशन है जो आपके साथ शेयर करनी है, ये चारा रख लूँ फिर मैं आपको वो बताता हूँ। ये आ गए हैं खाने के लिए, और टेंशन अभी आपको मैं बताता हूँ जब ये दोनों बाहर आएंगे तब। अब ये बाहर नहीं आ रहे, मैं पीछे हटूँगा तो ये बाहर आ जाएंगे। खरगोश तो बाहर आ नहीं रहे थे, तो फिर मैंने ही अंदर चारा डाल दिया, चलें कि ये अंदर ही खा लेते हैं। और टेंशन सबसे बड़ी ये है कि कल तो फीमेल माशाल्लाह से अच्छी मोटी थी, और आज बिल्कुल पतली सी हुई है, और बच्चे भी अंदर नहीं है। और मुझे एक ही बात कही जा रही है कि आपके जो कमेंट्स मैंने पढ़े थे ना कि मेल जो है वो बच्चों को खा जाता है, तो वो मुझे टेंशन बात दे रही है। लेकिन बिल्कुल अगर खरगोश बच्चे भी खा गया तो कुछ थोड़े से सबूत तो मिलते हैं कि उसने बच्चे दे दिए। और आज सुबह वो घास भी इकट्ठा कर रही थी, तो अगर घास इकट्ठा कर रही है तो फिर बच्चे देगी तो घास इकट्ठा कर रही है। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं अभी फीमेल को निकालूंगा, खुद भी देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ ताकि मेरी तसल्ली हो सके। तो दोस्तों मैं अपनी तसल्ली के लिए फीमेल को वहाँ से यहाँ पर लाया, और मैंने बिल्कुल सुकून के साथ इसको देखा है। यह माशाल्लाह से उसी तरह मोटी है, वैसे दूर से देखने से ऐसे पता चलता है कि ये मोटी नहीं है या घूम रही होती है जब, लेकिन ये उसी तरह मोटी है। अल्हम्दुलिल्लाह से इसके पेट के अंदर बच्चे हैं। मुझे लगा, मतलब डर गया था मैं कि ये ना हो कि मेल ने वो बच्चे ही खा ली हों, जैसा कि आप सारे बता रहे थे, लेकिन शुक्र है ऐसी कोई बात नहीं है, और माशाल्लाह इसके पेट के अंदर बच्चे हैं। तो दोबारा से जो मैंने नेस्टिंग आज रखी थी, इसने वो नेस्टिंग बड़ी मज़े से ऐसे बना के उसके अंदर जगह बना ली है। अब ये वहाँ पर बच्चे देगी, ये देखें। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं बस इसी के पास बैठा रहूँ, इतनी प्यारी है, ये देखें। यहाँ अगर मेल होता तो अभी तक भाग चुका होता, मस्तियाँ कर रहा था, लेकिन ये अभी तक सुकून में है क्योंकि अब इसने बच्चे देने हैं। तो माशाल्लाह से ये ज़्यादा भागती दौड़ती नहीं है, बिल्कुल जहाँ पर बैठती है वहाँ बैठ जाती है। ये अभी चली जाएगी, अगर मैं इसको यहाँ पर छोड़ूंगा ना तो ये यहाँ से चली जाएगी। ये देखिएगा अभी ये देखें वो जा रही है, अगर इसको मैं पकड़ लूँगा तो ये फिर आ जाएगी, लेकिन अब ये सीधी अपने घर जाएगी। फीमेल भी चली गई है और मेल भी माशाल्लाह से आ गया। अब यहाँ से देखें ऐसे लगता है जैसे ये दोनों एक जैसे हैं, मतलब वो मोटी नहीं है या सेम इस जैसी है, लेकिन यहाँ पर देखें और ये देखें दोनों अब सेम एक जैसे लगते हैं। लेकिन अलग से उसको मैं लेके जब उधर गया था ना तो सही मोटी लग रही थी। दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया था, और अभी फिर मैं दरवाज़ा खोलूँगा तो ये अंदर चली जाएगी। खरगोशों की तरफ से तो तसल्ली हो गई है, लेकिन कबूतरों की तरफ से तसल्ली नहीं हुई। हमारा जो लकी वाइट पेयर है ना, वो मेल सामने बैठा हुआ है, ये उस दिन नहाता रहा है तो अभी ये सुस्त है, मतलब इसकी आंखों से भी हल्का हल्का पानी आ रहा है, इसको बुखार हुआ हुआ, और एक वो बच्चा। तो इन दोनों को मुझे जल्दी से पैनाडोल देना है, उसके बाद फिर मुझे रिंग नेक की तरफ जाना है। मुझे डव को भी दवाई देनी है, और रिंग नेक की एक जो फीमेल है उसको भी हल्के हल्के मोशन मुझे लगते हैं, तो उसको भी मुझे फ्लैजल का सिरप थोड़ा सा देना है, और उसके बाद फिर मैंने इन सबको बंद कर देना है। अभी लकी को दवाई देने के लिए अंदर गया तो एक बहुत ही मज़े की चीज़ देखी है, लेकिन अभी आपको नहीं बताऊँगा। खुशखबरी है, आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, बस आपने गेस करना है कि वो क्या चीज़ है। बाकी मैंने उनको बंद कर दिया है, यहाँ पर पर्दे नीचे कर दिए हैं, सिर्फ अंदर जाना है, और मुझे एक फीमेल को फ्लैजल का सिरप देना है, और जो डव है हमारी उसको भी मैं फीड एक दफ़ा करवा के आ चुका हूँ, बस उसको एक दफ़ा देखना है, और ये पर्दे नीचे। बाकी आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था, आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पर ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गेस ज़रूर करना है आपने, क्या चीज़ है।